इस तरह की बहुत सारी कहानियां फैलाई गई, लिखी गई और एक बड़ी विस्तृत इसके ऊपर एक रिपोर्ट कुछ दिन पहले एक पत्रकार हैं अजीत दुबे, उन्होंने बड़ा विस्तृत तौर से बताया गया कि किस तरीके से काफी लोग इस उसमें थे कि इस यूनिट को लेकर हमारे ऊपर बदनामी फैलाई जाए। दूसरी चीज जो इस रिपोर्ट में लिखकर एक परोक्ष तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है, ये एक पूरी कहानी या तो पत्रकार को किसी ने लिख कर दी है और ये कई बार इनका खंडन हो चुका है उसके बाद फिर इसका आना। अब जबकि जनरल कोर्ट मार्शल हुए भी कई महीने हो गए उसके बाद इसका आना सिर्फ एक ही चीज को जाहिर करता है कि ये पत्रकार जिसने किया है बिका हुआ है, किसी का मोहरा है, किसी के कहने पर कर रहा है, किसी की दी हुई स्क्रिप्ट को लिख रहा है। इनके खिलाफ मैं पहले प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर इनके खिलाफ कंप्लेंट कर चुका हूं और जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अमूमन कोई भी अगर कंप्लेंट पर है उस पर कोई ध्यान नहीं देती है। मैं जानना चाहूंगा अब की बार कि उन्होंने क्या इनके खिलाफ एक्शन लिया। पिछली बार शायद अखबार ने इनको अलाउ नहीं किया होगा तो इन्होंने पब्लिश नहीं की और उसमें बिल्कुल साफ दिया कि भाई आप किससे को जानते हो, सब चीजें जानते हो, उसके बाद आप क्यों इसके बारे में बात कर रहे हो। इन्होंने जो कुछ भी कहा है सरासर झूठ है, सरासर उसके अंदर कोई तथ्य नहीं है। अगर तथ्य होता तो वो तथ्य जनरल कोर्ट मार्शल में निकल कर आता, नहीं निकल कर आया है तो इसका मतलब इसके पीछे इनके साथ कोई और है। जो हो सकता है वो शख्स, वो एक जोरहाट डकैती का केस हुआ था उसके अंदर इन्वॉल्व हो। ये उस कोटि के पत्रकार हैं जिनको जिनके बारे में मैं कई बार एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं, शायद उससे ज्यादा शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत है। चीफ के नीचे कोई यूनिट नहीं होती, चीफ के नीचे पूरी सेना होती है। और अगर एक डिफेंस करस्पोंडेंट होते हुए इस शख्स को यह नहीं पता है तो लानत है, इससे बड़ा कोई शब्द उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। बाकी इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी होगी मैं करूंगा।